मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा और कियाना को बात करते देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं। वो कियाना के घर पर होने वाली पार्टी की बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर आता है। लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, पर सारा के मन में अब भी स्काइलर के लिए फीलिंग्स थी। और यह साबित भी हो जाता है जब सारा क्लास के बाद स्काइलर से मिलने जाती है, लेकिन स्काइलर उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर भी सारा हार नहीं मानती। वो रात को स्काइलर के घर जाती है, उससे बात करती है। उसके बाद वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम सारा और स्काइलर को देखते हैं, जो कि बहुत खुश होते हैं। वो एक दूसरे के पास आते हैं और किस करने लगते हैं, पर तभी सारा को उल्टी आ जाती है। उसके बाद सारा, स्काइलर और कियारा कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, और बातों ही बातों में कियाना सारा को देखकर कहती कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, लेकिन सारा ये बात को मजाक में ले जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान भी होने लगती है, क्योंकि वो पिछली रात स्काइलर के साथ फिजिकल हुई थी। और फिर वो घर जाके अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट नेगेटिव आता है। उसे देख वो शांत हो जाती है और टेस्टर को फेंक देती है। पर तभी हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब सारा प्रेग्नेंट है। और जब वो सुबह उठकर अपने पेट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि एक ही रात में वो 9th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी लग रही थी। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्टर को देखती है, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में उसकी मॉम ऊपर आने लगती है। सारा डर जाती है कि उसकी मॉम उसे इस हालत में देख ना ले, इसलिए वो विंडो से बाहर कूद जाती है। सारा को रूम में ना पाकर उसकी मॉम वहां से चली जाती है। अब सारा को हेल्प की जरूरत थी और वो अपनी फ्रेंड कियाना को कॉल करती है। लेकिन कियाना को अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले उसे पता चल जाता है कि वो उसकी हेल्प तो नहीं करेगी, बल्कि इसका उल्टा वो सभी को सारा के बारे में बता देगी। फिर वो सोचती है कि उसकी मदद कौन कर सकता है। तभी उसे अपनी फ्रेंड हेले की याद आती है और सारा हेले के पास जाकर उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। लेकिन हेले के लिए भी ये मानना मुश्किल था कि कोई एक रात में प्रेग्नेंट कैसे हो सकता, वो भी 9th मंथ का। फिर वो लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अंदर जाने के बाद नर्स भी कुछ देर हैरान रहती है सारा की बातें सुनकर। वो उसके बेबी को चेक करती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि सारा के पेट में बेबी नहीं बल्कि कुछ और है, जो कि बहुत अजीब है। ये देख नर्स तो डर जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाती है। और कुछ देर बाद ही सारा को लीवर पेन होने लगता है, और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। सारा की हालत देख वो उसकी मदद करने लगता है, लेकिन नर्स उसे मना करती है। वो कहती है कि इसके पेट में बेबी नहीं है, कुछ और है, मैंने उसे देखा है। लेकिन डॉक्टर उसकी नहीं सुनता और सारा के सामने खड़ा हो जाता है। पर तभी सारा एक बेबी को जन्म देती है, जो कि एलियन बेबी है, और वो सीधा डॉक्टर के सिर से टकराता है, जिससे कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। और वो एलियन इधर उधर कूदते हुए उन पे हमला करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। एलियन ने रूम की लाइट भी तोड़ दी थी। फिर नर्स टॉर्च जलाकर उस एलियन को देखने लगती है, पर तभी वो एलियन नर्स पर हमला कर देता है और उसे अपने वश में कर लेता है। और फिर वो नर्स सारा और हेले पर हमला करने लगती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद हम ऑस्कर नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि एक क्लिनिक में कुछ गड़बड़ है, तुम वहां जाकर चेक करो। तो वो क्लिनिक की तरफ जाता है। उसके बाद हम सारा और हेले को देखते हैं, जो कि एक जगह पर रुककर खुश होते हैं कि सारा बच गई। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग थी। और तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर सारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसे देख हेले कहती है कि अब हमारे हाथ में ये नहीं है, हमें किसी को बताना होगा। लेकिन सारा किसी को भी बताने से मना करती है। और उसके बाद वो दोनों सारा के घर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी को, जो क्लिनिक के बाहर अबॉर्शन ना कराने के नारे लगा रहा था। वो क्लिनिक में अंदर आकर उसकी हालत देख ही रहा था कि तभी एलियन उस पे हमला करके उसे अपने वश में कर लेता है। उसके बाद हम सारा और हेले को देखते हैं। हेले उससे कहती है कि तुम अपने पेट पर जोर लगाओ ताकि वो एलियन बाहर आ सके। सारा ऐसा ही करने लगती है, पर तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है। सारा जल्दी से छिप जाती है और सारा की मॉम हेले से बात करती है, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हेले सारा को डेव के बारे में बताती है, जो कि एक एनिमल रिप्रोडक्शन में एक्सपर्ट था। सारा भी इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहती है, तो वो डेव के पास जाने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं कि पहला एलियन उनका पीछा कर रहा है, तो वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं और उस एलियन से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी दूसरी तरफ ऑस्कर भी क्लिनिक पहुंच जाता है, और फिर वो वहां की हालत देख एम्बुलेंस को कॉल करता है। और ऑस्कर को वहां सैम का फिल किया हुआ फॉर्म भी मिलता है। और फिर हम सारा और हेले को देखते हैं, जो कि डेव के
पास पहुंच जाती है। वो उसे सारी बात बताती है। उसका भी वही रिएक्शन होता है जो हेले और नर्स का हुआ था। फिर सारा उसे बताती है कि स्काइलर अभी कुछ दिन पहले मेक्सिको से आया है और फिर हम दोनों फिजिकल हुए हैं और तब से ये प्रॉब्लम हो रही है। तभी सारा की सारी बात सुनने के बाद डेव कहता है कि जब स्काइलर मेक्सिको गया था तो हो सकता है तभी उसमें किसी एलियन ने अपना एक सैंपल डाल दिया हो और फिर तुम दोनों फिजिकल हुए जिससे कि तुम्हारे अंदर आ गया और फिर तुमने एक एलियन को जन्म दिया। वो सारा को बता ही रहा था कि तभी स्काइलर का कॉल आता है। वो कियारा की पार्टी में सारा के साथ जाना चाहता है लेकिन सारा मना कर देती है जिससे स्काइलर को गुस्सा आ जाता है और वो सारा पर गुस्सा करने लगता है जो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते कि डेव एनिमल के लीवर पेन वाला इंजेक्शन सारा को लगा देता है ताकि वो जल्दी से उस एलियन को जन्म दे सके और उसके सामने एक मशीन लगा देता है ताकि जैसे ही वो बेबी बाहर आए तो वो मारा जाए। लेकिन वो एलियन बाहर आता ही नहीं है तो सारा डेव से कहती कि उसे एक और लीवर पेन का इंजेक्शन लगाओ ताकि उस प्रेशर से वो एलियन मेरे पेट में ही मर जाए। तो डेव एक और लीवर पेन इंजेक्शन बनाता है पर तभी गेट पर कोई आता है। उनको लगता है कि पहले वाला एलियन होगा तो उसे मारने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं और जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ ऑस्कर होता है जो उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और फिर कुछ देर बाद वो पहले वाला एलियन भी सारा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन में है। वहाँ सारा की मॉम को बुलाया जाता है। मॉम सारा को देख बहुत गुस्सा करने लगती है और ऑस्कर मॉम को शांत करता है। शांत होने के बाद मॉम पूछती है कि ये सब कैसे हुआ तो सारा स्टार्टिंग से सारी बात बताती है कि कैसे वो एक ही रात में प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सभी की तरह उनको भी इस बात पर हैरानी होती है पर फिर हेले उनको बताती है कि ये सब सच है। तो मॉम को लगता है कि हेले सारा को बचा रही है, वो उसका साथ दे रही है। पर तभी हम स्टेशन के बाहर एक ऑफिसर को देखते हैं। वो वहाँ खड़ा होता है पर तभी वहाँ पहले वाला एलियन आता है और वो उस ऑफिसर को मारकर अंदर आ जाता है। उसे देख सब हैरान होते कि ये क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो सभी उस पर फायरिंग करने लगते हैं जिससे वो आदमी मर जाता है जो एलियन के कंट्रोल में था। फिर एक ऑफिसर उसे चेक करने जाता है पर तभी एलियन पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। ये देख सब बहुत डर जाते हैं। फिर ऑस्कर हेले सारा और उसकी मॉम को सेफ्टी रूम में अंदर रहने को कहता है। अब मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हेले बताती कि ये वही एलियन है जिसे सारा ने जन्म दिया है। तो मॉम कहती है कि ये यहाँ कैसे आया। इस बात का जवाब डेव देते हुए कहता है कि ये यहाँ नहीं आया, इसे बुलाया गया है। सारा के पेट में पहले वाले एलियन का पार्टनर है और वो ही उसे अपने पास बुला रहा है और इसीलिए वो एलियन सारा के पेट से बाहर नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि पहले वाले एलियन ने एक ऑफिसर को अपने वश में कर लिया है और एक एक करके वो सारे ऑफिसर को मार रहा है। ये देख सारा और बाकी सब छिपकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन ऑस्कर उनको पकड़ लेता है और तभी एलियन उस पे हमला कर देता है। ऑस्कर एक पेन लेता है और उस एलियन को उससे मारता है लेकिन वो मरता नहीं बल्कि वो ऑस्कर को ही अपने वश में कर लेता है और उसी के हाथ से वो एलियन पेन निकालता है और ऑस्कर की आंख फोड़ देता है। तभी डेव उस पे हमला करता है और फिर वो सब वहां से भागने लगते हैं। डेव भी भाग रहा था पर तभी एलियन उसके सामने आ जाता है और ऑफिसर एलियन के कंट्रोल में होता है जिससे कि वो डेव की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। फिर एलियन सारा के पास जाने लगता है। हेले सारा और उसकी मॉम सेफ्टी रूम में जाने लगते हैं लेकिन उसमें जाने के लिए उन्हें फिंगरप्रिंट की जरूरत थी तो हेले एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को लगाती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो मॉम एक इंजर्ड ऑफिसर को खींच कर लाती है और इतने में एलियन भी वहां आ जाता है तो जल्दी से फिंगर लगाते हैं और गेट ओपन हो जाता है। हेले और सारा तो निकल जाते हैं लेकिन मॉम को वो एलियन पकड़ लेता है और फिर वो मॉम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर वो अंदर आता है और हेले को सारा से दूर करता है और तभी हम देखते हैं कि सारा को लीवर पेन होने लगता है और दूसरा वाला एलियन भी बाहर आ जाता है। फिर पहले वाला एलियन मॉम के हाथों उसे उठाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को स्काइलर के घर पाती है। सारा सारी बातें स्काइलर को बताती है लेकिन वो ये सारी बातें सुनकर सारा पर ही गुस्सा करने लगता है कि ऐसे नहीं होता, तुम झूठ बोल रही हो। दूसरी तरफ हम उसी पहले वाले एलियन को देखते हैं जो एक मॉल में जाकर लोगों को मारने लगता है। उसके बाद हम सारा और स्काइलर को देखते हैं। स्काइलर सारा को फिर से फिजिकल होने के लिए बोल रहा था लेकिन सारा मना कर देती है जिसके बाद स्काइलर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी हेले वहां आती है। सारा उससे कहती है कि उसे खुद ही उसकी मॉम को बचाना होगा लेकिन हेले कहती है कि पहले हमें स्काइलर का पीछा करना चाहिए।
उसी के पास हमें कुछ पता चल पाएगा। फिर सारा वॉशरूम जाती है, वहीं उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा उसको लेकर हेले के पास जाती है। वो लैपटॉप लॉक होता है तो हेले बताती है कि इस लैपटॉप को उसका भाई खोल सकता है। वो दोनों हेले के भाई के पास जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉल में एक आदमी किसी तरह बच जाता है। वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है लेकिन वहां सारे ऑफिसर मरे हुए थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था। तो वो कॉल ऑस्कर पिक करता है। उसके बाद हम सारा और हेले को देखते हैं। वो हेले के भाई के घर पहुंच जाते हैं और वहां उसका भाई उस लैपटॉप को ओपन कर देता है। फिर सारा और हेले उस लैपटॉप को चेक करने लगते हैं और उसमें उन्हें स्काइलर की मेक्सिको की ट्रिप की वीडियो मिलती है। उसमें वो देखते हैं कि स्काइलर एक प्राचीन तलवार दिखाता है जिससे प्राचीन लोग बुरी शक्तियों को मारा करते हैं। उसके बाद वो प्राचीन लोगों की मूर्ति दिखाता है और तभी मूर्ति का एक पार्ट टूट जाता है और तभी एक गैस स्काइलर के अंदर चली जाती है। उसके बाद उन्हें उस वीडियो में एक प्रेग्नेंट लेडी की ड्राइंग भी दिखती है और सारा समझ जाती है कि इन सब का उससे कुछ तो कनेक्शन जरूर है। फिर हम ऑस्कर को देखते हैं, वो मॉल के बाहर पहुंच जाता है। वहां उसे वही आदमी मिलता है जिसने कॉल की थी। फिर ऑस्कर उस मॉल के अंदर जाता है। ऑस्कर कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ कैमरे में वो एक अजीब सी चीज को देखता है जो कि चमक रही थी, जो कि दूसरा एलियन था। फिर हम सारा को देखते हैं जिसे वीडियो में कुछ और भी ड्राइंग दिखती है जिसमें वो दोनों एलियन फिजिकल हो रहे थे और एक लेडी को एलियन में बदल रहे थे। और ये देख सारा समझ जाती कि उसकी मॉम तो खतरे में है। तभी हेले का भाई बताता है कि एक मॉल में कुछ गड़बड़ है, वहाँ के सभी लोगों को किसी ने मार दिया है। वो समझ जाती है कि एलियन वही है तो वो तुरंत मॉल में कॉल करती है। तो कॉल ऑस्कर पिक करता है। सारा अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो ऑस्कर कैमरे की तरफ देखता है तो उसकी मॉम को एलियन ने अपने वश में कर रखा है। और जैसे ही ये बात सारा को पता चलती है तो वो और हेले मॉल की तरफ आने लगते हैं। इधर ऑस्कर भी उन पे नजर रख रहा था, पर तभी वो एलियन वहां से भागने लगता है और ऑस्कर उनका पीछा करता है। फिर सारा वहां आती है लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी सारा कहती है कि अब वो एलियन अपना रिप्रोडक्शन करना चाहता है, इसके लिए वो वहां जाएगा जहां ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा लोग होंगे कियाना की पार्टी में। तो वो दोनों भी एलियन को मारने के लिए उसकी पार्टी में जाते हैं। वहां जाने के बाद वो सबको बताती है कि यहाँ एलियन का अटैक होने वाला है, सभी जल्दी से भाग जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। सारा को कियाना नहीं दिखती तो वो उसके बेडरूम में जाती है और वहां वो देखती है कि कियाना और स्काइलर फिजिकल हो रहे हैं। तो वो तुरंत स्काइलर को अपने साथ बाहर लाती है और वो सबको बताती कि जब वो स्काइलर के साथ फिजिकल हुई थी तो उसने एक एलियन को जन्म दिया था, वो भी एक रात में। तभी स्काइलर कहते हैं कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर स्काइलर कियाना से सभी के सामने किस करने लगता है और फिजिकल होने लगता है, पर तभी सारा स्काइलर को मारकर उसे बेहोश कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो रहा था और वहीं सारा की मॉम भी थी। तभी सारा उन सभी से कहती है कि वो एलियन यहाँ कभी भी आ सकता है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी हम उस एलियन को देखते हैं जो अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट करके ऊपर आ जाता है और कियाना को अपने वश में कर लेता है। एलियन को देख सभी भागने लगते हैं। सारा उस एलियन को मारने के लिए प्राचीन वही तलवार लाती है और हेले करंट लाती है। फिर वो दोनों उस एलियन से फाइट करते हैं। तभी हेले कियाना को करंट देती है जिससे एलियन कियाना को छोड़ देता है और घर में इधर उधर कूदने लगता है। फिर वो एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। हेले उसे भी करंट लगाने चाहती है लेकिन वो हेले को मार कर दूर फेंक देती है। सारा तुरंत हेले के पास जाती है और वो एलियन स्काइलर को अपने वश में कर लेता है और वो सारा को मारने वाला था कि तभी हेले स्काइलर के मेन पार्ट पर ही करंट लगा देती है जिससे वो एलियन उसे छोड़ देता है और कूदते हुए वो एक मिक्सर में फंस जाता है और सारा तुरंत उसे बंद करके मिक्सर को ऑन कर देती है जिससे कि वो एलियन मर जाता है। अब बचा हुआ दूसरा एलियन मतलब कि उस एलियन का पार्टनर, लेकिन उसे मारने के लिए सारा हेले को उसे रूम में बंद करके अकेले जाती है। वहां जाके वो अपनी मॉम को देखती है और वहीं वो एलियन भी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। वो सबसे पहले अपनी मॉम को छुड़ाती है और एक विंडो से बाहर भेज देती है और तभी उस एलियन को होश आ जाता है और वो सारा पर हमला कर देती है। तभी सारा को वो प्राचीन तलवार दिखती है, वो तुरंत उसके पास आती है, उसे लेती है, पर तभी वो एलियन उसे मारने आती है तो सारा उसके मुंह में वही प्राचीन तलवार फंसा देती है, लेकिन इसी बीच वो एलियन उसे घायल कर देती है। तभी सारा को वहां एक केमिकल बोतल दिखती है और वो उस बोतल को एलियन के मुंह में फेंक देती है। फिर वो एलियन पीछे हट जाती है। तभी सारा वहां से भागने लगती है और तभी वहां हेले भी आ जाती है। वो सारा को ऊपर खींच लेती है
और उसे बचा लेती है। फिर हम उस एलियन को देखते हैं। उस केमिकल से उसके पेट में एक ब्लास्ट होता है जिससे एलियन और उसका बच्चा मर जाता है। फिर हम सारा और हेले को देखते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एलियन को मार कर सभी को बचाया है। उसके बाद हमें स्काइलर को दिखाया जाता है जिसे गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर अपने साथ ले जा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी स्नैचर। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।